दोस्तों लेटेस्ट न्यूज है कि इंडिया में अवॉइड क्रिप्टो करेंसी बैन एज़ क्लासिफाइड बाय कमोडिटीज़ रिपोर्ट। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया ने अभी जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो बैन लगा रखा है, आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी का बैन हटा सकता है, वो उसके साथ उसके कुछ शर्तें होंगी और वो शर्तें क्या हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अथॉरिटी जो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के जो पैनल को देख रहे हैं, सिटिंग अथॉरिटी है, उन्होंने अभी डिक्लेयर किया है कि आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसी क्वार्ड्स ने रिपोर्टिंग की है कि इंडिया को अनलाइकली एनफोर्स ए ब्लैंकेट बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी डिस्पाइट द न्यू एनफोर्स सेंट्रल बैंक। ओके गाइस, जो अभी नए जो बैंकों का जो अभी आरबीआई ने अप्रैल में जो सर्कुलर जारी किया था कि कोई भी बैंक क्रिप्टो करेंसी का किसी भी प्रकार से लेन देन नहीं करेगा, सेंट्रल बैंक की एक पॉलिसी बना रखी थी। तो उसके बाद अभी डिस्कशन ये चल रहा है कि क्रिप्टो करेंसी के बैन को लेकर आरबीआई भी देख रहा है और आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी के जितने भी जो ट्रेडर्स हैं उनको टैक्स देना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे जो शेयर मार्केटिंग में स्टॉक मार्केटिंग में जो भी ट्रेडिंग होती है वो भी एज ए क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग मार्केट की तरह है, ठीक है। और जो ट्रेडिंग है वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है और मोस्ट ऑफ द जितने भी जो ट्रेड्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में इसी तरह से होते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग है उसको डिफरेंट कैसे माना जाए इससे रिलेटेड? जो कोई भी मनी है वो ट्रेडिंग का इलीगल मनी नहीं होता है, वो टैक्स पेड होता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए जितने भी जैप पे यूनोकॉइन है उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए इससे कंपेयर करते हुए गवर्नमेंट से डिस्कशन किया है कि आप टैक्स लीजिए और ट्रेडिंग की परमिशन दीजिए और बैंकों से ट्रांजैक्शन की परमिशन भी दीजिए। तो आने वाले दिनों में आपको एक अच्छी न्यूज़ जानने को मिल सकती है दोस्तों, और यह थी इसके बारे में जानकारी। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी दोस्तों। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं आप उनको फॉलो कीजिए और हमारे साथ जुड़िए।